हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली रिव्यू। दोस्तों आज मैं एक फेस मास्क की रिव्यू सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल पेरिस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और ये रिवाइटलिफ्ट रेंज से है गाइस। यस दोस्तों, और बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये। मैंने तीसरी की चौथी बार रीपर्चेस किया है, और मैंने इसे नायका से परचेस किया था गाइस। आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा या किसी भी ब्यूटी स्टोर में आपको ये बहुत ईजिली मिल सकता है। इसकी जो प्राइस है, दिस इज़ 4 रुपीज़ 150, ये 150 रुपये का आता है। मुझे इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, और ये 30 ग्राम्स की प्रोडक्ट क्वान्टिटी है। और जैसे कि इसमें मेंशन किया हुआ है रिवाइटलिफ्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, सो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों। मैंने इसे मतलब 3-4 बार लगातार यूज़ किया है। एक्चुअली में जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है, ये उसमें आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्किन इलास्टिसिटी प्लस एंटी एजिंग, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों। सो यस, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। रात के समय में अगर आप इसे यूज़ करते हैं ना दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये आपको एंटी एजिंग और स्किन इलास्टिसिटी में आपको बूस्ट देगा, तो अगर आप इसे रात के समय में लगाती हैं और अच्छे से इसको रिमूव करके, जैसे आप, मैं आपको डेमो भी बताने वाली हूँ अभी, तो ओवरनाइट स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर होती है। और जो ओवरनाइट का टाइम होता है ना स्किन रिपेयर होने का, ये बहुत ज़्यादा सही रहता है गाइज़, मैं आपको सच में बता रही हूँ। और डेफिनेटली आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। लॉरियल पेरिस का ब्रांड है, इसे जो है हर एक एज कैटेगरी वाले यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी एज 25+ है, तो आपको डेफिनेटली इस तरीके के जो फेस मास्क रहते हैं वो यूज़ करने चाहिए गाइज़, मैं आपको सच में बता रही हूँ। ये प्रो यूथ फेस मास्क है, और मतलब बहुत बहुत सही चीज़ है। आप देख सकते हैं लिफ्टिंग एसेंस, ये जो है यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। तो मैंने पैक को जो है ओपन कर लिया है, और मैं आपको इसे भी लगा के ही बताने वाली हूँ। इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो है यहाँ पर पीछे की तरफ जो है लिखा हुआ है और दर्शाया भी गया है, एंड ये क्लिनिकली प्रूवन है गाइज। सो दिस इज़ रियली वेरी गुड। इसे ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्किन कम्प्लीटली बेयर है मेरा, मैंने कुछ मतलब स्किन पर नहीं लगाया हुआ है अपने, तो अभी मैं इसे जो है खोल लेती हूँ गाइज़। इसे मतलब ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, एंड जस्ट सी कितना ज़्यादा इसमें जो है सेरम है गाइज़। आप देख सकती हैं बहुत ज़्यादा सेरम इस पर लगा हुआ है, ठंडा ठंडा सा है एकदम। जो फेस मास्क रहते हैं ना, आप जब भी इसे यूज़ करती हैं, तो आप डेफिनेटली जो है इसे फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए, तब आप इसे ठंडा ठंडा लगाएंगी ना, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और इस तरीके के जो मास्क रहते हैं ना, वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से काम करते हैं, मैं आपको सच में बता रही हूँ। ये देखिए, ये मास्क जो है निकल चुका है, एंड दिस इज़ द होल मास्क, आप लोग देख सकती हैं। तो ये आप देखिए, और अभी मैं इसे जो है लगाने वाली हूँ, ये देखिए। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, दिस इज़ एग्जैक्टली प्योर एसेंस वाली जो है इसकी फ्रेग्रेंस है दोस्तों। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस भी है ना गाइस, ये प्रॉपर बहुत माइल्ड सी है, कोई इरिटेशन नहीं देती है, एंड बहुत बढ़िया इसका जो है, ये जो हम कहेंगे जो ये शीट है ना, बहुत फाइन क्वालिटी की ये शीट है। तो मैंने इसे अभी जो है लगा लिया है, एंड आप देख सकती हैं, ठीक है। इसका जो सेरम है गाइस, मैं काफ़ी ज़्यादा सेरम है पैक के अंदर, ये देखिए। तो मैं इस तरीके से नेक पे लगा लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से जो है लगता है, पीठ है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेरम है, तो मैं इसे हैंड्स पे जो है लगा लूँगी, ठीक है। आप इस तरीके से जो है कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको जो है प्लेस कर लिया है अभी गाइस, और इसको मैं लगा के रखूँगी लगभग 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट में इसे लगा के रखने वाली हूँ अपने फेस पर। अपने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं इस तरीके के जो फेस मास्क रहते हैं, और ये स्पेशली स्किन इलास्टिसिटी प्लस एंटी एजिंग के आपको रिजल्ट्स देता है। तो अगर आप, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, 25 साल के आप हो गए हैं, तो आप इस तरीके के जो है शीट मास्क लगाएं। और अभी जैसे गर्मियों आ गई हैं और मौसम गर्म गर्म हो रखा है, तो ऐसे शीट मास्क जो ठंडा ठंडा हम फेस पर लगाते हैं ना, तो बहुत सूदिंग सा इफ़ेक्ट मिलता है फेस में, आपको मैं सच में बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट मिल रहा है फेस पे, और प्रॉपर वो एसेंस मुझे फील हो रहा है। स्किन बहुत अच्छे से जो है मेरी से लग रहा है कि अच्छे से स्किन जो है सही हो जाएगी एकदम। मैंने ना इसे बहुत बार यूज़ किया, मैंने आपसे कहा ना, मैंने इसे 3 से 4 बार यूज़ किया है, मतलब बार बार रिपर्चेज़ किया है इसे।
सो इट्स रियली वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं अभी लगा के रखती हूँ अभी 25 मिनट के लिए, और फिर मैं आपको 25 मिनट्स के बाद मिलती हूँ गाइस। सो गाइस, आई एम बैक, और इसे एग्जैक्टली 25 मिनट्स हो चुके हैं मैंने जैसे अप्लाई किया हुआ है। तो अब मैं इसे जो है रिमूव कर देती हूँ गाइस। सो आप देख सकते हैं कितना इजीली ये रिमूव हो चुका है फ्रेंड्स, और सेरम जो है फेस पे अभी भी जो है लगा हुआ है। तो ये वन टाइम ही आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद तो ये थ्रो है। सो ये एक इसका ड्रॉबैक होगा जितने भी शीट मास्क होते हैं कि आप इसे वंस ही यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको रीपर्चेस करना पड़ता है। बट इसके जो रिजल्ट्स है ये एक्चुअली में प्रूवन है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं क्या करने वाली हूँ गाइस कि मैं इसको है ना हल्के हल्के हाथों से जो है मसाज कर लूँगी अभी अपने फेस पे, ताकि जितना भी सेरम सरफेस पे है ना ये अच्छे से मेरी स्किन एब्जॉर्ब कर ले, और बहुत अच्छे से स्किन के कोलेजन टिश्यू के अंदर ये जो है मर्ज हो जाए, अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, सो दैट स्किन यंग एंड यूथफुल लगे। जो कि ये जैसे कि ये क्लेम करता है कि इसमें वन बॉटल भर के मतलब सेरम है गाइस, सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। सो आप देख सकते हैं कि स्किन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रेडिएंट हो गई है, मतलब बिल्कुल ड्राइनेस नहीं रहती है फेस पे। और इस तरीके के शीट मास्क बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पर भी गाइस, मतलब आपको वो फेस को धुलने की जो है झंझट नहीं रहती है बिल्कुल भी, एंड आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। आपको हाईली ये रिकमेंड करने वाली हूँ गाइस, स्पेशली जिनको एंटी एजिंग के जो है रिजल्ट्स चाहिए कि स्किन यूथफुल लगे, मतलब रिवर्स हो जाए कम्प्लीटली जो प्रोसेस है, तो वो डेफिनेटली इस तरीके के मास्क यूज़ करें। एंड लॉरियल पैरिस का जो रिवाइटल लिफ्ट वाला फेस मास्क है मैं हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं द पावर ऑफ वन एसेंस बॉटल इन वन मास्क, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। सो येस, और आप ये देख सकते हैं दिस इज़ रियली वेरी वेरी नाइस गाइस, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। भाई ये रात का ही समय है जो मैंने इसे अप्लाई किया है, इसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र लगाने की आपको नीड नहीं होगी, अलग से आपको कुछ और लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से आपकी स्किन जो है रात भर अच्छे से रिपेयर होगी और फाइन लाइन्स दूर होंगी आपकी, और स्किन बहुत मतलब बढ़िया लगेगी गाइस। सो ओके, एंड आई होप दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड जानकारी दे दी है। बट फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं गाइस। ओके फ्रेंड्स, एंड मैंने अपने चैनल पे बहुत शीट मास्क के रिव्यूज़ कर रखे हैं फ्रॉम वेरिएंट ब्रांड्स, जैसे कि गार्नियर है, लैक्मे है, तो आप ज़रूर से बाकी की वीडियोज़ भी चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पर जाके आप चेक कर सकते हैं आप चाहें तो। ओके गाइस, एंड वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारा लाइक दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल पर ज़रूर दबा दीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। एंड मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो कि है डेली पंजाबी लाइफस्टाइल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, एंड आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, बाय।